नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो मैं काफ़ी दिनों से पीछे वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा हेल्थ इशू था। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपना टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 20, जिसमें हम आज बात करेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है मार्केट में कब कब फॉर्म होता है, किन सिचुएशन में इस तरह के पैटर्न बनते हैं, ये देखने में किस तरह से होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल है या मतलब कंटिन्यू एक पैटर्न है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इन सब चीज के बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिए, जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह के शेप में दिखता है, जैसे आपने समझ लीजिए एक कप रखा हुआ हो विदाउट हैंडल का। इसके लिए देखिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमको एक प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड चाहिए होता है। एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद नीचे बॉटम के पास जब एक ये राउंड शेप ये पैटर्न बनाता है और ऊपर एक नेक लाइन इस तरह की बनती है, जहां पर मतलब मार्केट कई बार रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है और फाइनली जब ब्रेकआउट करता है तो यहां पर हमारी एंट्री होती है। तो चलिए हम जो है मतलब बात करते हैं कि किस तरह से मतलब इसमें हमारी एंट्री होगी, किस तरह से स्टॉप लॉस हमने रखना होता है और कहां पर हमने इसका टारगेट बुक करना होता है, इस के बारे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं और चार्ट पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये पैटर्न जो है काम करते हैं। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले आपको जो है बताना चाहूंगा ये पैटर्न फॉर्म किस तरह से होता है। अगर आपको चार्ट पैटर्न में ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न ढूंढना है तो आप मतलब इसको किस तरह से जो है प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है मतलब इसकी जो है फॉर्मेशन किस तरह से होती है। इसके लिए जो हमारा स्टेप 1 होता है, जो हमको स्टेप 1 फॉलो करना है, वो हमको चाहिए एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड। वो इस तरह से देखिए, डाउन ट्रेंड हमको इस तरह से, ये देखिए मार्केट ऊपर से जो है कंटिन्यू एक ये देखिए अब सॉरी तो एक मिनट हाँ चलिए, तो ये देखिए यहां पर लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में आपको जो है आपको यहां पर इस तरह से एक डाउन ट्रेंड दिखेगा। यहां पर लोअर लो लोअर हाई लोअर हो लोअर हाई, तो यहां पर ये देखिए इस तरह से मार्केट आपको एक कंटिन्यू ऊपर से जो है डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। इस डाउन ट्रेंड में होने के बाद देखिए आपने क्या देखना है, यहां से मार्केट अब जो है एक राउंड शेप का बॉटम बनाती है। मींस आप ये समझ लीजिए कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है ये एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। अगर मान लीजिए यहां से कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है तो अब इस पैटर्न बनने के बाद इसका ट्रेंड चेंज होने वाला है और ट्रेंड चेंज होकर अभी अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो यहां पर अब आपको इस तरह से एक फॉर्मेशन यहां पर दिखाई देगी, यहां पर आपको एक इस तरह से राउंडिंग टॉप पैटर्न आपको जो है दिखेगा मार्केट में। अब यहां पर दिखने के बाद देखिए क्या होता है, यहां पर एक हमको नेक लाइन दिखाई देगी। ये जो नेक लाइन जो होती है, नेक लाइन पर मार्केट जो है 2 बार 3 बार 4 बार यहां पर इस तरह से ये रेजिस्टेंस लेती है और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फाइनली जो है अब यहां से देखिए क्या होगा, यहां से मार्केट अभी जो है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, तो इस तरह से मार्केट जो है जाना चालू कर देगी। तो अभी आप देखिए आपको किस तरह से अभी यहां पर एंट्री लेनी होती है। हाँ, अब देखिए मैंने आपको पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बता दिया कि हमको जो है ये पैटर्न किस सिचुएशन में ढूंढना है और कहां पर हमको ये पैटर्न मार्केट में जो है मिलेंगे। तो अब देखिए हमने जैसा कि देखा ऊपर से एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड हमको इसके लिए चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट यहां पर एक राउंड शेप इस तरह का बनाती है, ये एक राउंड शेप बनाती है और ये ऊपर एक नेक लाइन होता है। यहां पर जो कैंडल ब्रेकआउट करती है, हम उस कैंडल के नीचे हम जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो हम यहां पर देख रहे हैं नीचे का जो हम देख रहे हैं 3083 और ऊपर का हम देख रहे हैं 3160, तो इसके बीच का ये जो भी डिफरेंस होगा प्राइस का, जितना भी डिफरेंस होगा ये हमारा टारगेट होता है फाइनली। तो मैं जैसा मैं कि आपको आपको मैंने एक पहले भी एक पैटर्न बताया था कप एंड हैंडल पैटर्न, तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न सेम जो है समझ लीजिए आप एक मिलता जुलता पैटर्न होता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। यहां पर हैंडल नहीं होता है, यहां पर ओनली एक कप की शेप में ही यहां पर आपको बॉटम मिलेगा। ये टोटली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। ये जो जो कप के बीच की दूरी होती है ये हमारा टारगेट होता है। और अभी मैं आपको जो है लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से मतलब ये चार्ट पैटर्न में किस तरह से काम करते हैं और ये कब कब फॉर्म हुआ था, मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, तो आपको जो है पिक्चर जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको यहां पर जो चार्ट पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं,
इस चार्ट पैटर्न का नाम, रुकिए, हाँ तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर हम एक चार्ट ले लेते हैं कोई भी, यहां पर हम ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पर ओपन कर लिया है ये सीईएससी का चार्ट। अभी हम सीईएससी के चार्ट में हम यहां पर देखेंगे, तो यहां पर सीईएससी के चार्ट में एक पैटर्न यहां पर फॉर्म हुआ था, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पीछे हम चलते हैं चार्ट में, और यहां पर देखिए मैंने इसको फॉर्म करके भी रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये चार्ट पैटर्न सबसे पहले देखिए, जो मैंने आपको बताया कि हमको यहां पर एक प्रॉपर यहां पर डाउन ट्रेंड चाहिए। ये देखिए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड है। ये देखिए, ये एक कंटिन्यूड सीधा एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद हमको यहां पर जो है एक राउंडिंग शेप की, हमको यहां पर जो है समझ लीजिए मार्केट ने एक राउंडिंग शेप का, मतलब हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई करते हुए एक यहां पर फॉर्मेशन बनाया है। अभी राउंडिंग कप हो गया, ठीक है। अभी यहां पर देखिए हमने किस तरह से करना है, हमने यहां पर अपनी एक नेक लाइन ड्रॉ कर लेनी है लाइक दिस। इस तरह से हमने जो है नेक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए, अब यहां पर हमारी एंट्री कहां पर होगी और सब स्टॉप लॉस कहां पर होगा, इसके बारे में मैं आपको जो है अच्छे से बता देता हूं। फर्स्ट मैं जो है इसका थोड़ा कलर मैं थोड़ा लाइट कर देता हूं, तो आप लोगों को जो अच्छे से दिखाई देगा। यहां पर इस तरह से मैंने कर दिया। चलिए अब यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी हम देखेंगे, ये सीईएससी का चार्ट है। अगर आप चाहें तो जो है मतलब चार्ट ओपन करके जो है मेरे साथ जो है कंटिन्यू इसको देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए मार्केट ने लो क्या बनाया, हाई क्या बनाया। अब मार्केट का हम लो पकड़ते हैं, मार्केट का लो यहां पर बना हुआ है 406 रुपए का, और इसका जो यहां पर हाई बना हुआ है ये नियर अबाउट 530 रुपए का। तो यहां पर 124 रुपए का जो है यहां पर हमारा जो है टारगेट निकल कर आ रहा है। देखिए हमें टारगेट इस तरह से डिसाइड करना है, ये जो बीच की दूरी है ये हमारा ये टारगेट है। स्टॉप लॉस देखिए क्या रखना है, स्टॉप लॉस हमने यहां पर स्विंग लो रखना है। यहां पर ये देखिए अभी स्विंग लो क्या है, यहां पर ये देखिए मार्केट ने जो अब फॉर्मेशन चेंज किया है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। तो लास्ट हमारा जो स्विंग लो निकल कर आ रहा है वो यहां पर निकल के आ रहा है 453 पर, और यहां पर फाइनली देखिए नेक लाइन ब्रेक हुई है, तो यहां पर हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। देखिए इसके मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मतलब स्टॉप लॉस के आपके दो तीन क्राइटेरिया हो सकते हैं। आपको जो स्टॉप लॉस जिस तरह से सूट करता है आप उस तरह से अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जैसे देखिए इस कैंडल को अगर आप देखें, ग्रीन कैंडल को, तो इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है। अगर आप चाहें तो इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 413 पर, 513 पर। तो यहां पर आपने स्टॉप लॉस रखा और यहां पर आपकी एंट्री हो गई। तो ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका टारगेट होगा नियर अबाउट 124 का आपका जो है टारगेट हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा टारगेट जो है, देखिए कितनी इजिली यहां पर अचीव हुआ है। तो 513 से देखिए ये आराम से 683 हमको जो है मतलब टारगेट से ज्यादा यहां पर मिल गया है। तो मतलब आपको जो है देखिए, आपको सिंपली बहुत सिंपल पैटर्न है, कोई मतलब इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने ये समझ लेना है कि जहां पर ये पैटर्न फॉर्म होता है अब यहां पर ट्रेंड चेंज होने वाला है। अगर आप यहां पर सेल की पोजीशन में हैं तो अभी आपको सेल की पोजीशन अपनी कवर कर लेनी चाहिए, और आपको जो है नेक लाइन ब्रेक होने के बाद इसमें एंट्री लेनी होती है। सेकंड में आपको एक दूसरा चार्ट में आपको बताता हूं, यहां पर कोल इंडिया का, कोल इंडिया में भी इस तरह से एक पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो कोल इंडिया का हमने चार्ट खोल लिया है, तो यहां पर देखिए अभी मैंने कोल इंडिया का चार्ट खोल के रखा हुआ है, तो यहां पर मैंने ड्रॉ भी करके रखा हुआ था, मैं आपको वो पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम इसको पीछे चलते हैं, बैक टेस्टिंग इसकी करेंगे। जहां पर मैंने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो शायद वो मेरे ख्याल से डिलीट कर दिया था मैंने। चलिए हम यहां पर जो है ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ये है हमारा, आप जैसा देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा एक बन गया राउंडिंग बॉटम पैटर्न, ये हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया। सॉरी यहां पर जो है थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। तो ये देखिए अब यहां पर हमारे, मैं इसको पहले यहां पर इसे वॉल्यूम हटा देता हूं, तो आप लोगों को जो है पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखिए अभी यहां पर हमारा जो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया है। तो अब देखिए यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमको यहां पर ये ट्रेड करना है, हम लोग सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, सबसे देखिए वो जरूरी हो जाता है। आइडेंटिफाई करने के लिए देखिए आपको एक क्लियर डाउन ट्रेंड चाहिए। ये देखिए यहां पर एक क्लियर डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल नीचे की तरफ मार्केट देखिए ऊपर से जो है 335 से होते हुए ये देखिए मार्केट कहां पर आ गया 235 पर। तो नियर अबाउट यहां पर आप देख सकते हैं 100 पॉइंट की जो है मतलब गिरावट हो चुकी है। तो मतलब आप 70 मोर देन 75% की यहां पर जो है गिरावट हो चुकी है।
और मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं कि ज्यादातर आपको जब ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने को मिलेगा तो वहां पर ज्यादातर कंडीशन में आपको यहां पर डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि मतलब ये पैटर्न जब भी आपको यहां पर दिखे तो मतलब आपको देखिए ट्रेड करना बहुत यहां पर आसान हो जाएगा। जब आप यहां पर डबल बॉटम या डबल पैटर्न ट्रिपल बॉटम ढूंढेंगे तो वहां पर आपको जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न आराम से मिल जाएगा। अभी अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर देखिए एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए अभी हमने ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न को जो है हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने अपनी नेक लाइन ड्रॉ करनी है। तो नेक लाइन हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है? नेक लाइन ड्रॉ करने का एक बिल्कुल सिंपल फंडा है, आपको रेजिस्टेंस पकड़ लेना है। देखिए मार्केट यहां पर जो है सपोर्ट ले रही थी, सपोर्ट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट सेम लेवल पर गई 265 पर। 265 से फिर इसने जो है मतलब नीचे की तरफ मार्केट आई है, उसके बाद फिर 265 पर जाके देखिए एक बार फिर मार्केट ने नीचे की तरफ का रुख किया है। तो जो रेजिस्टेंस होगा जहां से मार्केट 2 3 4 बार रिटर्न हुई है वो हमारी नेक लाइन हो जाती है। ये हमारा देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो जाता है। ठीक है, ये हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो गया। अभी यहां पर देखिए स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए एक ग्रीन कैंडल बड़ी आपको दिख रही होगी, यहां देखिए एक ग्रीन बड़ी कैंडल, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। ये कैंडल है 28 सितंबर की। ये मैंने डेली का चार्ट खोल के रखा है, अगर आप चाहें तो अपने चार्ट पैटर्न को खोलकर इसके मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं। तो इसका देखिए जो लो है वो ये लो है 258 का। ठीक है, तो मान लीजिए आप इस यहां पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखिए ये जो स्टॉप लॉस है ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, अगर आप इसको स्टॉप लॉस के रूप में यहां पर जिस जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है अगर उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो आप मान के चलिए कि 25% ऐसे चांस हो जाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपके लिए सबसे सेफ स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जो मार्केट ने करंट स्विंग लो बनाया हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट ने करंट स्विंग लो यहां पर बनाया हुआ है, ये स्विंग लो है मार्केट का करंटली। तो ये स्विंग लो बना हुआ है, यहां पर देखिए 247 का स्विंग लो है और यहां पर जो ब्रेकआउट हुआ है 265 का ब्रेकआउट हुआ है। तो नियर अबाउट आपका 18 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। और अगर हम यहां पर टारगेट देखने की कोशिश करेंगे तो अभी जैसा मैंने आपको बताया टारगेट इसके बीच की डिस्टेंस होगा, जो इसका डिस्टेंस है इसके बीच में। अभी देखिए नीचे जो डिस्टेंस हम निकल के आ रहा है अभी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा टारगेट है नियर अबाउट 32 पॉइंट्स का, नियर अबाउट 1:2 का यहां पर हमारा जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो निकल के आ रहा है। अब देखिए मार्केट ने यहां पर जो है ब्रेकआउट किया है कितने पर? 265 पर। 265 पर ब्रेकआउट किया है। अब देखिए आपने एंट्री कहां पर लेनी है, मैं आपको सबसे जरूरी चीज ये बता देता हूं, लोगों को यहां पर दिक्कत कहां पर आती है एंट्री के लिए, एंट्री कहां पर लेनी है। तो यहां पर देखिए एंट्री मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, अब इस कैंडल का लो देखिए और हाई देखिए। इस कैंडल का लो जो है 258 है और इस कैंडल का हाई 270 है। तो जब नेक्स्ट डे मार्केट 270 का लेवल क्रॉस करेगी तो वहां पर हमारी एंट्री होगी, मींस हमारी 271 पर हमारी यहां पर जो है एंट्री होगी। तो 271 पे हमारी एंट्री हुई, हमने स्टॉप लॉस चाहे आप ब्रेकआउट कैंडल को रख लीजिए चाहे आप स्विंग लो को रख लीजिए। ठीक है, अभी यहां पर हमारा 32 पॉइंट्स का हमारा जो है टारगेट यहां पर है, तो हम देखेंगे 32 पॉइंट्स का हमारा टारगेट कहां पर पूरा होता है। तो ये हमारा यहां पर देखिए 32 पॉइंट्स। तो यहां पर देखिए मार्केट ने इजिली यहां पर हमारा टारगेट जो है अचीव कर दिया है। उसके बाद भी मार्केट ने नियर अबाउट हमको 1:2 आप मान के चलो 1:4 दिया है यहां पर मार्केट ने हमको। ठीक है, कोल इंडिया, ये कोल इंडिया का चार्ट है। तो देखिए सिंपल बिल्कुल एंट्री, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है वो जब नेक्स्ट डे उस कैंडल का हाई जब क्रॉस होगा तो वहां पर हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस कहां पर रखना है? स्टॉप लॉस जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप सेफ चलना चाहते हैं तो स्विंग लो को स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट इसके बीच की दूरी है, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमने यहां पर जो है फॉर्म किया है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारा टारगेट है। नेक्स्ट हम एक और चार्ट देखेंगे। आप जो है मैं जो चार्ट आपको बता रहा हूं एक बार आप भी जाकर वहां पर जरूर देखिएगा तो आपको जो है चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। एक मैं चार्ट आपको और दिखाना चाहूंगा, एमसीएक्स का चार्ट है। तो एमसीएक्स के चार्ट में भी ये फॉर्म हुआ था। तो ये जो है मतलब एक लॉन्ग टाइम आप मान के चल सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए मतलब मैंने इसको ड्रॉ करके रखा हुआ था। यहां पर देखिए अब मैं इसको थोड़ा इस तरह से करने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे, जी
यहां पर देखिए एक कंटिन्यू, जैसा मैंने आपको बताया, एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चाहिए हमारे पास, एक कंटिन्यू यहां पर एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। मार्केट ये देखिए कहां से 1430 से मार्केट यहां पर नियर अबाउट 650 के नियर अबाउट आ गई है। तो मार्केट जो है मतलब बहुत ज्यादा करेक्ट होकर यहां पर आई है, 1450 रुपए से लेकर 650 रुपए तक आ गई है, ठीक है। तो ये मतलब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने लॉन्ग टाइम के लिए रखा था, लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी यहां पर देखिए हमारा टारगेट, हमारा स्टॉप लॉस, ये सब मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये देखिए हमारा जो यहां पर टारगेट निकल के आ रहा है, ये टारगेट है हमारा, हम इसको जो है देखने की कोशिश करेंगे। टारगेट जो है ये देखिए, टारगेट हमारा नियर अबाउट होगा 263 पॉइंट्स का हमारा यहां पर टारगेट है। स्टॉप लॉस हम देखने की कोशिश करेंगे, स्टॉप लॉस स्विंग लो हमारा ये लगा हुआ है 829 और हमारी एंट्री हो रही है 886। तो नियर अबाउट हमारा 50 to 60 रुपीज का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस है, और 1:4 का यहाँ पर जो है टारगेट हमको निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर सिंपली देखिए कितने आसानी से हमारा यहाँ पर जो है टारगेट अचीव हुआ है। यहाँ पर देखिए हमारा टारगेट, सॉरी पहले हम देखेंगे कितना हमारा ये टारगेट निकल के आ रहा था। हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा था तो नियर अबाउट 254 के नियर अबाउट हमारा टारगेट आ रहा था, और 254 अगर हम यहां से देखने की कोशिश करें तो 254 देखिए कितनी आसानी से हमको यहां पर, यहीं पर हमको मिल गया। ये देखिए यहां पर ही हमको हमारा टारगेट जो है यहां पर अचीव हो गया है। तो देखिए कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप इसको करना चाहें तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपली जो है एक पहले डाउन ट्रेंड देखना है, डाउन ट्रेंड के बाद आपने जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखना है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखने के बाद आपने इस तरह से एक नेकलाइन ड्रॉ कर लेनी है। नेकलाइन जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है, देखिए यहां पर नेकलाइन ब्रेक हुई है नियर अबाउट 900 के लेवल पर, 900 के लेवल पर आपकी एंट्री है और 850 के लेवल पर आपका जो है स्टॉप लॉस है। तो मींस आपका जो है 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, और जो है 250 मतलब 250 पॉइंट का आपका टारगेट है, और 1:5 के लिए आप यहां पर जा रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी कभी भी मार्केट में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है तो 80 to 85% केस में आपको जो है वहां पर डबल टॉप और डबल ट्रिपल सॉरी डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। तो यहां पर जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर एक डबल बॉटम पैटर्न यहां पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी एक समझ लीजिए एक पहचान होती है कि अगर आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं तो 80 to 85% केसेस में आपको जो है यहां पर डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम पैटर्न देखने को मिलेगा। देखिए ये जो बहुत सीक्रेट बातें हैं, ये शायद आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, सो मैं आपको अपनी वीडियो में ये चीज बता रहा हूं क्योंकि मैं ये चीजें फॉलो करता हूं, और ये जो है मेरा समझ लीजिए आप एक कंफर्मेशन के लिए होता है, ये मेरे मल्टी कंफर्मेशन में मैं इसको ऐड करता हूं। जहां पर डबल बॉटम पैटर्न दिख गया वहां पर मैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है तलाशने की कोशिश करता हूं, और फाइनली जब मुझे राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिलता है तो मैं अपने टारगेट के लिए यहां पर जाता हूं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अभी चलिए चर्चा करते हैं कि अभी फाइनली मतलब कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें मतलब राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, जो करंटली अभी बन रहा है, ठीक है ना, और आने वाले दिनों में वो हमारा टारगेट दे सकता है। अभी उसका ब्रेकआउट हुआ है नहीं हुआ है वो मैं आपको एक स्टॉक बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं आपको जो स्टॉक, उस स्टॉक का नाम है पीवीआर। तो मैंने पीवीआर स्टॉक का चार्ट खोल लिया है, और पीवीआर स्टॉक में देखिए अब यहां पर आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, है थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि देखिए यहां पर हमको एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चाहिए होता है। तो ये देखिए नियर अबाउट 2130 के हाई लगाकर ये देखिए नीचे की तरफ कितना करेक्ट होकर आया था, 720 रुपए। तो देखिए 2100 रुपए का स्टॉक जो है 700 रुपए के लेवल पर आ गया, मींस 1400 पॉइंट हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट 66% जो है पीवीआर का स्टॉक जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, पहले मैं इसको जो है इस रुकी मैं इसको आपको देखने के लिए मैं थोड़ा सहूलियत कर देता हूं, यहां पर मैं इसको थोड़ा चार्ट डिम कर देता हूं, ये कलर डिम कर दिया मैंने। तो अब देखिए यहां पर मार्केट जो है ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा, तो यहां पर एक सपोर्ट लेने के बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया था। यहां पर जो लेवल है ये है 1450 के नियर अबाउट, और मार्केट अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मार्केट जो है 1450 के लेवल को टेस्ट करने गया था, बट जो है ये लेवल निकाल नहीं पाया था। अभी यहां पर देखिए, अब मैं देखिए आपको एक सिंपल सी यहां पर चीज बता देता हूं, इसका जो हाई यहां पर हमको जो हमने देखना है
वो 1450 और 1470 का हाई लगाया था, लेकिन जो है मतलब ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई थी। जो 1450 का लेवल है इसके ऊपर हमको एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, वो क्लोजिंग जो चाहिए हमको मतलब बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट होनी चाहिए। मीन्स आप समझ लीजिए इस तरह की कोई कैंडल हो, ये देखिए इस तरह की कोई कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कैंडल में आपको जो है नीचे आपको वॉल्यूम भी देखना है। अब मान लीजिए इस ये कैंडल है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। नीचे आपको जो वॉल्यूम देखना है, नीचे वॉल्यूम भी आपका नियर अबाउट इस तरह से लगा हुआ होना चाहिए। काफी अच्छा मतलब आप कह सकते हैं वॉल्यूम हमको यहाँ पर काफी अच्छा चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम हमको काफी अच्छा चाहिए, जैसा कि मतलब कैंडल के साइज हो वैसे ही नीचे वॉल्यूम हो, उसको हम एक अच्छा ब्रेकआउट कहेंगे। और यहां पर मान लीजिए इस कैंडल ने, मान लीजिए हम एक सपोज कर रहे हैं कि इस कैंडल 1400, अभी अब हमको देखना है 1470 के लेवल के ऊपर, या हम 1500 के ऊपर देखें तो बहुत बेस्ट रहेगा। आप जो है 1500 के ऊपर देखिए, क्योंकि 1500 का ऊपर का लेवल जो है मतलब एक कन्फर्मेशन लेवल हो जाएगा। मान लीजिए ये कैंडल बनती है, इस कैंडल का हाई बनता है 1510 रुपये, तो अभी आपको एंट्री कैसे लेनी है, आपको 1512 रुपये या 1515 रुपये पर आप अब एंट्री लीजिए। जैसे मान लीजिए आज इस कैंडल ने जो है मतलब ब्रेकआउट दिया और 1510 का हाई लगाया, और कल की डेट में ये 1510 का लेवल जब क्रॉस करेगा तब आपको यहां पर अपनी एंट्री ले लेनी है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस देखिए यहां पर एक स्विंग लो लगा हुआ है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा निकल के आएगा 1300 रुपये का, तो आपने 1300 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो है नियर अबाउट 1500 के ऊपर जो कैंडल क्लोज करेगी वहां पर आपकी एंट्री होगी। और टारगेट देखिए यहां पर क्या निकल के आएगा, टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हमारा नियर अबाउट यहां पर होने वाला है 700 पॉइंट का, 700 पॉइंट्स का। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, ठीक है ना। आफ्टर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद देखिए, और ब्रेकआउट भी जो है एक बहुत अच्छी वॉल्यूम की कैंडल से होना चाहिए, और जो कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छी कैंडल से जो है मतलब यहां पर भी ब्रेकआउट होना चाहिए, और बहुत अच्छी कैंडल हमको यहां पर भी चाहिए। तो आप चाहें तो पीवीआर के चार्ट में जाकर स्टडी इसको कर सकते हैं, बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न जो है इस टाइम ये फॉर्म हुआ पड़ा है। तो मतलब ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न था, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आया होगा। अगर आपको इस पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप ड्रॉ करते हैं, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप लोगों को जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। या आप जो है मुझे ईमेल कर सकते हैं angeltechanalysis@gmail.com पर, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपने चार्ट भेजकर 9878137600 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने चार्ट भेजकर। अगर आपके चार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं चार्ट आपके जो है सही करके आपको जो है रिटर्न जो है मतलब आपको पोस्ट करूंगा। सेकेंडली जो है, अगर जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहां पर देखिए मैं डेली कुछ ना कुछ कॉल देते रहता हूं, और इस तरह के चार्ट पैटर्न वगैरह डेली पोस्ट करता हूं। इंट्राडे में जो भी मतलब चल रहा होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो भी होता है वो चीजें सारी पोस्ट करता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल है वहां पर आपको मिल जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।